हेलो एवरीवन, श्री देवी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कटिंग टूल्स के बारे में। कपड़ा काटते समय हमें किन किन टूल्स का यूज करना है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, और उनमें कौन सी सीजर्स यूज होती है उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। कपड़ा सिलने से पहले उनकी कटिंग के लिए किन किन टूल्स का यूज किया जाता है या उपकरणों का यूज किया जाता है तथा उनके क्या क्या फंक्शंस है, उनके क्या यूज है, वो हम आपको बताएंगे। जैसा कि शो हो रहा है यहाँ पे कुछ सीजर्स और कुछ अन्य उपकरणों के नाम लिए गए हैं जिसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। कपड़ा सिलने से पहले काटे क्यों जरूरत, क्योंकि कुछ स्कर्ट्स और टॉप्स ऐसे हैं जो शॉल्स या स्कार्फ्स को एडजस्ट करके हम पहन सकते, लेकिन इसके अलावा हम बाकी जो भी कपड़ा पहनते हैं उनको स्टिच करने के लिए पहले काटना जरूरी है। कपड़ा काटने के लिए पहले हम पेपर पैटर्न काटते हैं और उसके बाद हम उसे कपड़ों पे उतारकर थ्रेड की सहायता से स्टिच करते हैं। अगर हम कटिंग में ही कुछ गलती कर देंगे तो हमारा सिला हुआ कपड़ा सही नहीं होगा, अथवा अगर कपड़ा सफाई से नहीं कटा हुआ होगा या हमने कुछ गलती से अलग काट दिया जो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है तो हमारा सिला हुआ फैब्रिक हमारे फिट नहीं होगा। सबसे पहले बात करते हैं एंगल्ड फैब्रिक सीजर के बारे में। यह कटिंग करने के लिए सबसे उपयुक्त सीजर है। यह काफी हैवी वेट होती है तथा फैब्रिक को एक ही कट में बहुत बड़ा एक पॉइंट या स्ट्रोक कट कर देती है। इस सीजर का यह हिस्सा पीतल का बना होता है, वह काफी हैवी होता है। इसकी लंबाई लगभग 10 इंच से लेकर 14 इंच तक होती है। वह अलग अलग साइजेस में बाजार में उपलब्ध रहती है। सेकेंड है पेपर कटिंग सीजर। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पेपर कटिंग यह कागज काटने के काम आती है। फैशन डिजाइनिंग के टर्म में कहें तो यह पेपर पैटर्न को काटने के लिए यूज की जाती है। मार्केट में इसका अलग अलग साइज उपलब्ध है। थर्ड है स्मॉल शार्प फैब्रिक सीजर। यह सीजर छोटे साइज की होती है तथा हम एक्स्ट्रा धागे काटने के काम में लेते हैं। इसको हम कोई मोटिफ लगाना हो, एप्लीक वर्क करना हो या कुछ ट्रिमिंग वगैरह करना हो और एक्स्ट्रा सीम अलाउंस करना हो तो हम इसके लिए इन सीजर्स का यूज करते हैं। चौथा है डकबिल सीजर। इस सीजर को मोस्टली एप्लीक वर्क करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहे उसको कटिंग करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इससे एप्लीक वर्क पर कुछ इफेक्ट ना पड़े और एक्स्ट्रा जो वी फैब्रिक है वो बड़ी ही क्लीन तरीके से वहां से रिमूव हो जाए। इस सीजर के फ्रंट का हिस्सा जैसे कि शो हो रहा है एक प्रॉपर शेप में होता है, जो कि डकबिल या हम कहें बत्तख की चोंच जैसा होता है, इसलिए इसको डकबिल सीजर कहते हैं। पांचवा है पिकिंग सीजर। इस सीजर के जो फ्रंट में जिगजैग शेप के एजेस होते हैं जिससे कपड़े की ट्रिमिंग की जा सकती है। यह सीजर मोस्टली लाइट वेट फैब्रिक्स पर यूज की जाती है ताकि उसकी फिनिशिंग अच्छे से हो, वह धागों को निकलने के लिए जगह ना रहे। उसके बाद आता है थ्रेड स्निप्स। यह एक छोटा सा टूल है जो कि उंगलियों की सहायता से चल सकता है। इसके लिए जब भी हम स्टिचिंग करते हैं या एम्ब्रॉयडरी करते हैं उनके धागों को काटने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इसके एजेस बहुत शार्प होते हैं। इसलिए हम जो भी स्टिच लगाई है उसके बिल्कुल पास हल्की हल्की कटिंग करनी है तो इसके लिए हम इस चीज का यूज करते हैं। इसे मोस्टली नेक की जो शेप होती है उसके अंदर की कटिंग देने के लिए भी हम कट करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।